खत्म करियो। साढ़े 3,000 है मेरे पास। साथियों नमस्कार, प्रकृति के इस हसीन तोहफे को आप देख रहे हैं उत्तराखंड के भीमताल की वादियों में पांडे गांव में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में एक तरफ ये गोल गोल मिट्टी नुमा आकृति हैं, ये सीड बॉल्स हैं, और दूसरी तरफ ये प्लांट्स हैं जो कि अभी आपके बांज बुरांस चीड़ के हम पेड़ लगा रहे हैं। तो अभी मेरा बांज का पेड़ है और इसको हम जो है अपने क्षेत्र में लगाने जा रहे हैं पांडे गांव से ऊपर को कर्कोटक वाली पहाड़ी में। कर्कोटक की पहाड़ी इस क्षेत्र की सबसे ऊँचाई पर स्थित पहाड़ी है और वहाँ पर कर्कोटक देवता का मंदिर भी है। आइए आपको ले चलते हैं कर्कोटक मंदिर की तरफ को। भाई इधर घुमा देना। हाँ। जो मैं कहता हूँ ना तो इधर घुमा, जहाँ जा रहा हूँ तो ये आ गया सर मंदिर कर्कोटक का ही। हाँ ये आ गया, हमने आज पेड़ पौधे बढ़िया जैसे पेड़ बनाए। ये बनाए हैं सर हमने, ये तो रखी है ना पेड़। हाँ। पेड़ वही बनाओ सर, ऐसे ना पहले हम चले जाते हैं कर्कोटक की पहाड़ी में। आते ही अगर इतना ताजा पानी पीने को मिले तो कहना ही क्या। और इसकी हाइट पर इसकी विशेषता यह है कि साफ मौसम में यहाँ से जो पूर्वज हैं कहते हैं कि यहाँ से हल्द्वानी तक दिखता है, और भीमताल तो यहाँ से आम है। सामने ही हमें भीमताल दिख रहा है, अभी थोड़ा सा धुंध है, अदरवाइज आपको वो हसीन नज़ारे से हम रूबरू कराते और देख सकते हैं कि इस हसीन वादियों में आज हम प्लांटेशन के लिए आए हैं। सर सर दर्शन कर लो, दर्शन। उत्तराखंड की वादियों में अगर आप कभी विजिट पर आए तो आपको इस तरह के परंपरागत पूर्वजों के द्वारा हमारे बुजुर्गों के द्वारा बनाए हुए मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, और इसका आधुनिक रूप यहाँ पर इस तरह से कर्कोटक की पहाड़ी में इस तरह से ग्रामवासियों जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहां पर प्लांटेशन किया गया है। अभी अभी हमारे साथ कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख नितेश जी के द्वारा अपने नाम का एक टैग लगा करके इस प्लांटेशन किया गया है। असित जी के द्वारा लगाया गया यह पेड़ अभी यहां पर इसका टैग लगा है। यहां लगाते हुए हमारे जगदीश नेगी जी और स्थानीय ग्रामीण के द्वारा पूरन जी के द्वारा लगाया जा रहा है। जगदीश नेगी जी के द्वारा लगाया गया है पेड़, अभी यहाँ पर टैग लगा रखा है इसका। रोहित बिजवासी अक्की के द्वारा यहाँ पर पेड़ का टैग लगाया जा रहा है, अभी अभी उन्होंने प्लांटेशन यहाँ पर किया है। यहाँ पर अभी अभी मेरे द्वारा भी एक पेड़ लगाया गया है इस नाम से, गौरीदा। हम आए हैं यहाँ पर कर्कोटक के मंदिर में, जहाँ पर कि नागराज का प्राचीन मंदिर है, और देखिए ये हम आपको दर्शन कराते हैं नागराज देवता के मंदिर के, और इस तरह से मंदिर की साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं। प्रकृति की इन हसीन वादियों में जहाँ से भीमताल नकुचा ताल का विहंगम दृश्य थोड़ा सा धुंध के साथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इस ऊंचाई पर आप आते हैं तो आपका यह दिन बन जाता है। इन हसीन वादियों में आकर मनुष्य अपने आप को न केवल
प्रकृति से एकाकार करता है, बल्कि देवताओं के इस पावन धाम में भी अपने आप को धन्य समझता है। हो गई, पक्का हो गई, तो जाओ।